ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भासान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। सावन के पवित्र महीना में कांग्रेस के चित्रकूट के विधायक के द्वारा अभिषेक यात्रा निकाली जा लगी। यह अभिषेक यात्रा में माँ मंदाकिनी नदी से जल के लेके उनके द्वारा जो है पैदल यात्रा गैवीनाथ धाम तक की हुई। गैवीनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के वजल से अभिषेक करके वो यात्रा का वही थे समाप्त करी। तो विंध्य क्षेत्र गई ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी खबर के, जहां अपना पंचायत को बताया रही कि मध्यप्रदेश में चुनावी घमासान मचा है। लगातार कांग्रेस और भाजपा जनता का अपने बस में करे खातिर नए नए पैतराज मार रही है। यह बीच चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के द्वारा विगत 14 जुलाई से 17 जुलाई तक के पद यात्रा शुरू की गई है। यह पद यात्रा में विधायक के द्वारा जो है चित्रकूट के जीवन रेखा कही जाए वाली नदी मां मंदाकिनी के जल से चित्रकूट के मत्ति गजेंद्र नाथ स्वामी के जलाभिषेक करके एक यात्रा के संकल्प लीनगा है। जो चित्रकूट से आबे वाले बिरसुनपुर स्थित गैवीनाथ महाराज के जलाभिषेक करने के बाद यात्रा विराम ले। यह यात्रा का जो है विधायक पैदल सफल बने ही। यात्रा में विधायक के द्वारा बतावागा कि और विधायक के साथ साथ श्रद्धालु और समर्थकन के एक बड़ा हुजूम चल रहा है। विगत 15 जुलाई का यात्रा चित्रकूट के मछमा पहुंची है, जहां लोगन के द्वारा विधायक के स्वागत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगा। जगह जगह महिलाओं के द्वारा कलश के साथ विधायक के स्वागत किएगा। वहीं यह देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष के नेता जो विधायक के यात्रा के मंगलमय होए की कामना कह रहे हैं। मझगमा के वैश्य समाज जो कबो राजनीति में अपन दखल नहीं दे रहा, उन्हों का द्वारा जो है विधायक के स्वागत करत देखागा। बाजार के नामी प्रतिष्ठानन में संचलकन के द्वारा जगह जगह विधायक के स्वागत पुष्प माला और श्रद्धालु का जलपान कराए की करावागा। वही यह यात्रा आरोपण से नहीं बच पाई। सोशल मीडिया में विधायक की यह यात्रा का कई लोगों के द्वारा चुनावी स्टंट बतावागा। विधायक के जो हैं जूते पहन के जल लेके फोटो पर तंज कसागा और कहागा कि दिखावटी श्रद्धा है, अंदर के बाद तार चुनावी लाभ लेके प्रयास है। तो इन सब मामला में विधायक के द्वारा चुप्पी तोड़त के इन मीडिया के समक्ष आए के कहागा कि हमार यह यात्रा क्षेत्र के दौरी सागर के सौगात जो कि कमलनाथ सरकार के द्वारा मिली रही, एक खातिर हम जो है भगवान गैवीनाथ का धन्यवाद दे जेल लागे। साथ ही मां विधायक के द्वारा कहागा कि हमारे हाथ में जो जल है वह सिर्फ लोगन के स्पर्श खातिर आए, ताकि लोग यह यात्रा के साक्षी बनाएं। हर जन का अंश जो है यह यात्रा मां भगवान गैवीनाथ के धाम तक पहुँचाए। जल के कलश रथ के जो है कलश रथ आगे चल रहा है, जेका अपना पक्ष देख सकी थे। यह तृतीय दिवस मां यह यात्रा ही और साथ मां आज यह यात्रा मझगमा से सुतीक्षण आश्रम की ओर रवाना हुई। तो निश्चित तौर पर यह यात्रा हालांकि चुनावी आय की कहाँ आय यह ताबे वाला वक्त बताई, लेकिन श्रावण मास है, सावन की यह पवित्र महीना है। ये मां भगवान भोलेनाथ के भक्ति के अलग महत्व है। हालांकि यह पूरे खबर का हमारे संवाददाता आर्यन शर्मा के द्वारा जो है पूरी खबर जो है कवरेज की गई ही और उनके द्वारा प्रयास किएगा कि विधायक आखिर उनके ऊपर जो ये चुनावी स्टंट के आरोप लागू अन्य मुद्दे पर सीधी बातों की गया। तो देखी और सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के। रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।
देखिए पूरी तरह से धार्मिक आस्था का विषय है और पूरी तरह से ये धार्मिक यात्रा है। पूरे क्षेत्रवासी चित्रकूट क्षेत्र के जो धर्मावलंबी लोग हैं, हर जात धर्म संप्रदाय के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कामतानाथ जी के दर्शन करने के उपरांत मंदाकिनी माँ का जल लेके मजगेंद्रनाथ राजाधिराज का अभिषेक करने के बाद वहाँ से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है, जिसका आज तीसरा दिन हम लोग यहाँ मजगवा से प्रारंभ करके जिसका रात्रि विश्राम सुतीक्षण आश्रम में करने जा रहे हैं। इस यात्रा का कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, लेकिन मनोकामना सिर्फ इतनी है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग सुखी रहें, सब समृद्ध हों, सब प्रेम सद्भाव के साथ रहें। देखिए पहले मंदाकिनी जी में जल था, लेकिन जल वो कम हो रहा था, लेकिन हमारी कमलनाथ जी की सरकार और क्षेत्रवासियों के प्रयास से दौरी सागर बांध स्वीकृत हो गया। उस दौरी सागर के स्वीकृत हो जाने से मंदाकिनी को अविरल बहना है, तो उस भगवान को धन्यवाद देने के लिए, भगवान को साधुवाद देने के लिए, जब भगवान ने दौरी सागर स्वीकृत कराया कमलनाथ जी को प्रेरणा दे के 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो उसमें मंदाकिनी को अविरल बहना है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब मंदाकिनी को भगवान ने हमारी इतनी मदद करी, तो कम से कम हम क्षेत्रवासी पैदल चल के जलाभिषेक ही कर दें, क्योंकि अभी थोड़े दिन में CM साहब आएंगे और पत्थर लगाएंगे और यहाँ के जितने जिले के नेता हैं बोलेंगे दौरी सागर बनाया है, तो भगेश्वर सब जान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा करो तो कर रहे हैं। ये विवादित स्थिति कुछ भी नहीं है। दौरी सागर पिछले 20 साल की मांग है, जिसमें बहुत सारे लोग KP शर्मा जी, श्रीवास्तव वकील साहब, ऐसे अन्य लोगों ने लगातार 25 साल पत्राचार और संघर्ष किया है। ये पूरे क्षेत्र की मांग थी और उस मांग को जैसे हमारी सरकार बनी थी 2018 में, तत्काल उसका सर्वे का पैसा पास हुआ था 1 करोड़, उसके बाद बाकी अभी 6 महीने पहले 250 करोड़ रुपये अधिकारियों के माध्यम से और स्वीकृत हुआ। इसके लिए मैं CM साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो आए थे जब दीपक जलाने, तो हमने उनसे कहा था कि चित्रकूट में आप दीपक मत जलाइए, चित्रकूट का गौरव पहले से है और यहाँ लाखों लाख लोग दीपावली में दीपदान करते हैं, ये अलग से दीपक जलाने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हैं आप तो फाइल पकी रखिए, पैसे दे दीजिए, हमारे क्षेत्र का भला हो जाएगा, हमारी गंगा जी का भला हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि पहले कभी यात्रा नहीं करी है, ये वो मुझे लगता है चित्रकूट क्षेत्र के रहने वाले लोग शायद कम होंगे, या तो उनका यहाँ पे जन्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि तो चित्रकूट क्षेत्र में जिसने जन्म लिया होगा वो तो ये बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो धर्म से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, सत्य और असत्य की बात को पहचानते हैं। लोग आस्था के इस काम को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। आप कुछ भी चोला ऐसा है कुर्ता पजामा, अगर केला संतरा भी खाएंगे तो लोगों को लगेगा संतरा भी वोट मांगने के लिए खा रहे हैं, क्या कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, उनकी जमीन खिसक चुकी है, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो अब ये तरह तरह की चीजें इस प्रकार की करेंगी। और ये वो लोग जो आप बोल रहे हो कि कुछ लोग कहते हैं सांसद जी, विधायक जी, पुराने ये वो दौरी सागर के बारे में, अगर उन लोगों ने दौरी सागर का दा कहा हो, दौरी सागर का दा 20 साल में, तो कभी बताएं कि अगर दौरी सागर का दा कहा हो, अभी कल के पहले अगर कभी गए हो दौरी सागर देखने तो भी बताएं, गए थे क्या कभी दौरी सागर कहाँ है, धोबा घाट कहाँ है, ये सब नहीं पता है। ठीक है, उनका काम है पत्थर लगाना, लगाएं पत्थर, हम लोग तो इसीलिए निकले हैं कि भगवान कामतानाथ बड़े देव बाबा और गैबीनाथ और मजगेंद्र स्वामी ने ये स्वीकृत कराया हम लोगों का बांध दौरी सागर अंदर को, तो चित्रकूट का जलाभिषेक जब भगवान कर रहा है तो हम लोगों का धर्म बनता है कि हम भोलेनाथ का जलाभिषेक अपने हाथों से करें, इसलिए सब क्षेत्रवासी मिलकर जलाभिषेक करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। यार भैया उनको पता नहीं है, देखो हम लोग क्या यात्रा कर रहे हैं, हमारा जल कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है, हमारा जल तो जो हमारा रथ है उसके आगे रखा हुआ है, ये तो वो पात्र है जिससे जिसके सबके हाथ टच हो रहे हैं, उस पात्र से उस जल से उनका वो अभिषेक करा जाएगा। पात्र इसलिए सबको दिया जा रहा है कि सबका उसमें अंश जुड़ता जाए, सबको टच करा के और कर रहे हैं। ये तो बोलने वाले का काम है, बोलते रहेंगे। चित्रकूट वो धाम है जहाँ पे सबरी के जूठे बेर खाए जाते हैं, उस परंपरा के हम लोग हैं जहाँ भगवान वनवासी राम रहते हैं और सबरी के जूठे बेर और गरीब और परेशान दीन दुखियों को गले लगा के प्रेम सद्भाव के साथ आगे बढ़ने वाला ये क्षेत्र है, उसी परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चल रही है यात्रा के बाद क्या कार्यक्रम तय करेंगे, क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर जिस हिसाब से टूटा है, जिस हिसाब से अधिकारी यहाँ पर अफसर साहब का उतारू है और कहीं ना कहीं
और व्यवस्थाओं का आलम यह है कि पंचायतों में होने वाले काम कमीशन पूरी के भेंट चढ़े विधायक रहते हुए अगले कार्यक्रम आपके क्या होंगे? पहला तो कार्यक्रम है कि अपनी कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों से ज्यादा जितने नेता हैं उनके सबके सबका सिस्टम तय है, तो बेचारा वो अधिकारी कर्मचारी क्या करे जब भोपाल तक उसको चीजें पहुंचानी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता पूरी ईमानदारी से काम करता है और अधिकारी और कर्मचारी भी कांग्रेस के शासनकाल में बड़ी सावधानी पूर्वक काम करते हैं, लोगों का हित का काम करते हैं। पटना जिले की हम लोग 7 सीट जीतेंगे और पूरे विंध्य में करीबन 20 सीट लेके कांग्रेस की सरकार विंध्य क्षेत्र के नाम से इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौज तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।